हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस यार, वेलकम बैक हो गया आप लोगों का फेट ऑफ गैलेक्सी के एपिसोड 2 में। सो यस आई नो ये काफ़ी लेट आ रहा है, 5 महीने हो गए, बट ये अब 5 महीने मुझे शौक से निकलने में ही लगे। एंड आपको पीछे दिख रहा होगा घर वगैरह, ये मैं और ये जगह एकदम अलग, वो आपको सब मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे आया हूँ मैं यहाँ पे। बट या गाइस, और ये वो जो मेरा डॉगी था, आपको भौ भौ करके आवाज़ आ रही होगी, उसका घर ये मैंने अंदर बनाया है। अच्छे से जी रहना भाई, काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ के बाद, बट अभी तो ये जगह बहुत सेफ है। यप, अभी क्या हुआ था मेरे साथ वो आप सब देखो जब मैं उस दिन बेहोश हो गया था। लेट्स गो। क्या हुआ भाई, एक सेकंड, ये क्या हुआ, अचानक से थंडरस्टॉर्म। ये कौन है भाई, ये कौन है, मैं मारने जा रहा इसको। भाई मैं अपने घर में मेरा बेड किसने लगा, और ये एक सेकंड यार, अभी क्या हुआ था मेरे साथ। भाई मेरा पूरा घर जल रहा है, वो कौन था, वो आगे की तरफ गया है भाई। ओ क्या हो रहा है, ओ डॉगी, ओके गाइस यार मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, मेरा घर जल रहा था, मुझे कुछ वो भूत जैसा दिखा था, कौन था वो और उसने कैसे मुझे वन शॉट मार दिया। यार अभी तक सिर घूम रहा है यार, मुझे इस जगह से जाना चाहिए, मेरा डॉगी सही सलामत है कम से कम। हम अब यहाँ नहीं रुक सकते, ठीक है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके सो गाइज, लास्ट टाइम जो भी हुआ मेरे साथ उसके बाद मेरे और मेरे डॉगी के लिए ये जगह तो बिल्कुल सेफ नहीं है, तो अभी मुझे माइग्रेट करना पड़ेगा दूसरी जगह जाने के लिए। ये घर मैंने कितनी मेहनत से बनाया था, ये पूरा जला दिया उसने, मैं इसमें कदम नहीं रखने वाला अभी, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा डॉगी, ठीक है। ओके सो गाइस यार, पूरे एक दिन और एक रात से भी ज़्यादा हो गया, बट मुझे रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिली नहीं है। वो पीछे उधर पे प्यारा सा सनसेट हो रहा है, बट अभी क्या करूँ मैं, मुझे और मेरे डॉगी को कोई अच्छी सी जगह चाहिए रहने के लिए। चलो अपनी खोज जारी रखते हैं। ओके सो ये जगह अच्छी और सेफ लग रही है ना, मुझे यहीं रहना शुरू कर देना चाहिए, अभी तक मैं उस शौक से बाहर नहीं आया हूँ, बस इस जगह पे सेफ रहूँ मैं। तो ऐसा करके गाइस मैं उस जगह से वापस इधर आया। अब मैं आपको अपने घर का टूर कराता हूँ। यार ये मेरा बहुत धांसू आर्मर है, बहुत धांसू, आप देख के हैरान हो जाओगे इसको। देखो गाइस ये भाई यार आर्मर की वाट लगी हुई है भाई, बहुत गिरा हूँ मैं ये आर्मर पहन के। एंड बाकी ये चेस्ट आया ना, ये खुलता नहीं है, मैंने शो के लिए लगाया बस। ये ऊपर में सारे मेरे ओक लॉग्स हैं, मतलब लकड़ी वगैरह है, फिर नीचे में मैंने डर्ट भर के रखा है, इधर पे कॉबल स्टोन्स हैं, एंड इधर पे मेरे सब आयरन है जो मैंने अब तक कलेक्ट किए हैं। यस भाई बहुत, 5 महीने से मैं अपने पास वाले केव से खुदाई करते आ रहा हूँ, मैं ज़्यादा दूर गया भी नहीं हूँ। ये उधर पे एक केव है, उधर का लाया हुआ है मैंने भाई। एंड बाकी इधर पे मेरे टूल्स वगैरह जो मैंने नए बनाए थे भाई, ये सब मैं निकाल देता हूँ। एंड यप वाटर बकेट, हाँ। एंड यप इधर पे खाना वगैरह रखा है मैंने थोड़ा अपने लिए। एंड ये 4 गोल्डन एप्पल है भाई, 4 गोल्डन एप्पल बाकी। और अभी नीचे ये चेस्ट देख के ना हैरान, मतलब सॉरी ये बैरल देख के ना हैरान मत हो जाना भाई। यस एंड ये देखो भाई,
बाकी बोल रहे हो इतने डायमंड कैसे हैं आप? भाई 5 महीने से स्ट्रिप माइनिंग कर रहा हूँ, उसकी वजह से इतने डायमंड्स कलेक्ट हुए मेरे। बाकी यस गाइस, आज यार आज थोड़ा बोर हो रहा था तो चलो थोड़ी फिशिंग ही कर ली जाए। वैसे भी बहुत टाइम से फिशिंग की नहीं है एंड गिर गया। कोई नहीं भाई, डैमेज नहीं हुआ मेरे को बिल्कुल। तो ओके सो गाइस, यार हम जा रहे हैं अभी फिशिंग करने, लेट्स गो। एंड ओके ओ सॉरी, मेरे को सबसे पहले अपना फिशिंग रॉड लेना है, इधर पे चेस्ट में रखे हैं भाई। हर चीज़ का अरेंजमेंट है रे अपने पास, टेंशन नहीं लेने का। चलो ब्रो, वैसे भी काफ़ी टाइम से फिशिंग नहीं करी है ब्रो, लेट्स गो। ओके 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 आई, लेट्स गो ब्रो। एक कॉर्ड मिली अपने को। आजा भाई, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो रे। ओके सो गाइस, यार काफ़ी टाइम हो गया, इधर पे फिश मिल ही नहीं रही यार ब्रो। ऐसे ऐसा कौन सा एरिया है भाई, ऐसे तो एक ब्लॉक में भी डाल दो आ जाते हैं भाई। इधर पर 10 मिनट से वेट करो, एक फिश नहीं आई है। उस साइड चलते हैं हम। हाँ उस साइड में से मैं आज तक गया नहीं, बट फिर भी चलते हैं यार। ऑल राइट गाइस, लेट्स गो। मैंने अपनी फिशिंग रॉड डाल दी है उधर। ओके हाँ यार, नॉर्मल कॉर्ड ही मिल रहा है। थोड़ा आगे जाके फिशिंग करते हैं, क्या पता कुछ और मिल जाए ब्रो। लेट्स गो। आज क्या हो गया ब्रो, फिशेस आ ही नहीं रहे रे भाई। नीचे कुछ चमक रहा है क्या ब्रो? नीचे कुछ चमक रहा है क्या? वो जाके देखना चाहिए। एक सेकेंड भाई, मैंने नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। अरे फिशिंग रॉड नहीं भाई, इधर। ओह शिट, ऊपर चलो ऊपर चलो। मैंने ये क्या देख लिया अभी, व्हाट? भाई ये इतना, भाई इतनी सड़ी सी पुरानी जगह, ये क्या है? इधर चेस्ट, वेट, डॉल्फिन्स इसके आजू बाजू कैसे घूम रही है? ब्रो भाई मेरी ब्रीथिंग बार बार जा रही है। कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से। यहाँ से तो बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है ब्रो, ये क्या है भाई? क्या रोने जैसे क्या बने हुए यहाँ पे? शिट 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 भाई, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। ब्रो यहाँ कुछ ना ऐसा तार जैसी स्मेल आ रही है, वायर जैसी स्मेल आ रही है ब्रो। स्मेल आ रही है भाई, और कितनी पुरानी जगह ये। चेस्ट में क्या है? भूखे ये। एक सेकंड, ऊपर चलो भाई। भाई बारिश कैसे चालू हो गई? अब तक तो पूरा माहौल ठीक था। बोट में बैठो भाई, जल्दी चलो यार। ये बुक मिली मेरे को, बुक भीग जाए उससे पहले चलो ब्रो। ब्रो मैं जिंदा हूँ FM। भाई ये जिंदा है तो मेरे को क्यों बता रहा है? अरे ऊपर से ये FM कौन है भाई? एक सेकेंड यार रुको। यार वेट, व्हाट भाई साहब, वे ये क्या हो रहा है भाई? मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतना बैड वेदर तो मैंने पहली बार नोटिस किया। और वेट यार, ये क्या है ये? आई एम अलाइव FM, इसका मतलब क्या है भाई? ओके सो गाइस, यार मैं बहुत टाइम से इसको देखे जा रहा हूँ और भाई हैंडराइटिंग में मुझे ऐसा खास समझ नहीं आ रही है। और ये मौसम अब उससे थंडरस्टॉर्म वाला ही है ब्रो, मुझे डर लग रहा है भाई। एक सेकेंड यार, मैं सो रहा हूँ भाई।
ओके सो गाइज, ओके हार्श, चलो भाई वेदर तो ठीक हुआ यार, बट इसका मतलब क्या हो सकता है? ओके सो गाइज यार, मैंने बहुत सोचा, अभी ना मुझे एक चीज़ याद आ रही है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि जब मैं उधर घर बना रहा था पीछे पानी के साइड, मुझे बहुत सारी चीज़ें पानी में फ्लोट करती हुई दिखी। एंड भाई इसमें आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक थोड़ा, बट मैंने उन पे ध्यान, भाई यार ये गाय की आवाज़ ने मेरे को डरा दिया यार। ओके सो टॉपिक पे आते हैं, बट मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया। एंड ब्रो ये ब्रो तो मुझे बोलने देगा, गाय चल रही है यार, मैं डर, ओके भाई मेरे को अभी बहुत डर लग रहा है कसम से, इसलिए मैं इधर पे आके अपने डॉगी के साथ हूँ। ठीक है भाई मत भौंक भाई। ओके सो या मैंने पिछली बार उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, एंड ये बड़ी अजीब सी बात है कि ध्यान देने वाली बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ब्रो मुझे उधर जाके वापस से देखना पड़ेगा ये क्या है। एंड या आई हैव टू गो, मैं जा रहा हूँ भाई, आई डोंट नो कितना ज़्यादा मुझे दिन लगेगा उधर जाने में एंड कितना ज़्यादा खतरा है उधर जाने में, बट भाई ये मिस्ट्री को सॉल्व करना ज़रूरी है। आई एम अलाइव FM, कौन है ये FM, क्या चाहता है ये मुझसे? ओके सो गाइस यार कॉर्ड्स के हिसाब से मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ, बट घर दिख नहीं रहा मेरे को भाई। यार इस जगह को देख के ऐसे रोंगटे खड़े हुए मेरे। गाइस पहुंच चुका हूँ मैं, यार ये गाय की आवाज़ मेरे को हमेशा डरा देती है यार। गौ माता मत डराओ प्लीज, वैसे ही डराओ ये जगह ब्रो, मैं इस जगह की बात कर रहा था, मैं इस जगह की बात कर रहा था भाई। मैं इधर पे आया क्लूज ढूंढने कि लाइक भाई वो ये पेपर मैं बुक अपने साथ लेके आया हूँ ब्रो, ये भी पानी में था और वो सब भी मुझे पानी में मिला था, तो क्या पता कुछ मिले मेरे को इधर पे क्लू जैसा। तो चलो भाई ढूंढते हैं भाई। ओके सो गाइस यार काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा हूँ इधर पे, बट मुझे कुछ नहीं मिला है। मैं दूर दूर तक देख चुका हूँ ब्रो, इधर पे आके बस मैंने अपना टाइम वेस्ट किया यार, मेरे को निकल जाना चाहिए ब्रो वापस इधर इधर से। ओके सो गाइस यार निकलते हैं इस जगह से, और वेट भाई ये क्या है, साइन बोर्ड और